हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि किसी भी गाड़ी के नंबर से आप किसी गाड़ी के नंबर से या मालिक का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी किसके नाम से है सिर्फ आप उसके नंबर से दोस्तों पता है, जो गाड़ी के नंबर जो प्लेट होता है दोस्तों उसी के आप सिर्फ जो है कि मालिक का पता लगा सकते हैं ये गाड़ी किसके नाम से है और ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है, इसका मॉडल नंबर क्या है। ठीक है दोस्तों, और चेसिस नंबर क्या है सब आप पता कर सकते हैं इस वाली वीडियो में दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखते हुए दोस्तों मैं ये गाड़ी और ऑनर की डिटेल्स पता करें और गाड़ी नंबर से बस कुछ ही पले में। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, यहाँ से देखिए कंप्यूटर सीखो आप, यहाँ से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊँ यहाँ से आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँच, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे गाड़ी का ऑनलाइन जो है कि नंबर से पता कर सकते हैं गाड़ी किसके नाम से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, या लैपटॉप यूज करते कोई, सब सेम प्रोसेस एक ही है। तो सबसे अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास जो भी ब्राउजर है आप ओपन कर लीजिए। तो मैं यूसी ब्राउजर में ओपन करूंगा दोस्तों, यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से परिवहन टाइप करने का, परिवहन ये देखिए परिवहन, यहाँ से मैं परिवहन टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। परिवहन टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये पेज खुल के आ जाएगा। तो सबसे आपको जो फ्रंट पेज में मिल रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री रोड़ा ट्रांसपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ दोस्तों, और थोड़ा सा प्लेसमेंट मांग रहा है। ये देखिए इस तरह से आपका जो है कि विंडो खुल से आ चुका है दोस्तों परिवहन सेवा का। तो दोस्तों हम ऑनलाइन सर्विस के अंदर जाएंगे, यहाँ से नो योर व्हीकल्स डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ से मेरा प्रोसेस आ चुका है। नो योर आरसी स्टेटस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है गाड़ी का, जो गाड़ी का जो प्लेट नंबर होता है, जिसे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसको ऊपर वाले टाइप में भरना होगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ करके, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ ये, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है इधर इस साइड में TN80B, तो मेरा जो इसको इसमें इस वाले में भरते हैं, और ये जो नंबर है दोस्तों इस वाले में भरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो है मैं अपने गाड़ी का नंबर चेक करना चाहता हूँ। तो मेरा गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है UP54W। ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया दोस्तों। और जो लास्ट वाला अंक होता है, जैसे कि मेरे गाड़ी का नंबर है 1953। ठीक है, तो मैं 1953 टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। टाइप करने के बाद दोस्तों इंटर वेरिफिकेशन कोड आपको टाइप करना होगा, यहाँ से जो BB आपको जैसा लिख रहा है BBYAD। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद दोस्तों आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ आपको इस तरह से मिल चुका है, यहाँ पर व्हीकल डिटेल्स शोविंग इन रजिस्ट्रेशन आर्ट्री, तो आपको पता चल रहा है मऊ के उत्तर प्रदेश की गाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर UP54W जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट कब की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन डेट भी उसका पता चल रहा है, चेसिस नंबर आपको पता चल जा रहा है, इंजन नंबर क्या है ये पता चल रहा है, ऑनर नंबर है, गाड़ी किसके नाम से है धर्मराज चौहान के नाम से गाड़ी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं किसी भी गाड़ी के नंबर से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से पता आपको चल रहा है व्हीकल क्लास क्या है, गाड़ी पेट्रोल है डीजल से पेट्रोल से है। ठीक है, इस तरह से आप जो है कि पता लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर आप लोग को अच्छी लगी दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और कमेंट्स में आप लोग करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।